हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मटर टमाटर आलू की सब्जी, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। हमें चाहिए 2 मीडियम साइज के टमाटर, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी 1 चम्मच, हरी मटर, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, हरी धनिया, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच जीरा, 2 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हींग, 10-12 आलू। अब हम बनाना शुरू करते हैं। अब हम गैस को ऑन करेंगे, उसमें तेल डालेंगे। तेल हमारा हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे जीरा, हींग, गैस को हम धीमा कर देंगे। अब इसमें डालेंगे हम टमाटर, हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको हम 2 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। आलू को हम कट कर लेंगे। अब हम डालेंगे गरम मसाला, इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे कटी हुई आलू। अब इसमें हम आलू डालेंगे और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट के लिए इसे भी हम ढककर रख देंगे। इसको हम हल्का सा भून लेंगे। अब डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर। अब इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और पानी डालकर 2-3 मिनट के लिए ढककर हम रख देंगे। मटर हम बाद में डालेंगे। अब इसमें हम मटर डालेंगे। मटर इसलिए बाद में डाल रहे हैं क्योंकि पहले से ही बॉईल करके मटर रखे थे, इसलिए बाद में डालेंगे। सब्जी बनकर हमारी तैयार है। अब गैस को हम ऑफ कर देंगे और इसे एक बाउल में खाली करेंगे। देखिए, हमारी मटर आलू टमाटर की सब्जी बनकर तैयार है। बनाने में आसान, खाने में टेस्टी। जब आपके पास टाइम ना हो तो बस मटर आलू टमाटर की सब्जी बनाइए और खाइए। अब बताइए कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए बाय।